वेलकम बैक टू अपनी कक्षा इस वीडियो के अंदर हम करेंगे आपका इंग्लिश का अनादर चैप्टर व्हिच इज द निकलेस आ, ये चैप्टर ना एक लेडी के बारे में है जो हमेशा अपनी गरीबी को लेकर रोती रहती है शी वाज नॉट बोर्न इन अ वेरी रिच फैमिली उसी चीज की प्रॉब्लम है उसको उसका नाम है मेटिल्डा लॉयजल एम लॉयजल या फिर हम उनको मैडम लॉयजल भी बोलेंगे सो so, हम पहले चैप्टर की क्विकली समरी पढ़ेंगे एंड फिर एनसीआर पे आ जाएंगे जैसे हम करते हैं उसके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो साथ साथ मैं आपको बताती जाऊंगी और साथ ही साथ मीनिंग्स बताती जाऊंगी डिफिकल्ट वर्ड्स के बट प्रॉमिस मी दैट वो वर्ड्स आप अपने आंसर्स में यूज करेंगे एंड नोट्स तो आपको पता ही है पॉइंट देन अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलॉन्ग विदरी सो समरी और की पॉइंट में से आप कोई एक चीज भी पढ़ लोगे तो आपका काम हो जाएगा देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिल्कुल नहीं स्किप करने हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं पेपर सब्जेक्टिव आने वाला है सो so आपको पता होना चाहिए कि आंसर को कैसे लिखना है स्टोरी में क्या होता है बेसिकली सो देर इज दिस लेडी आई टोल्ड यू मटिलदा एंड शी इज वेरी मच सैड अबाउट हवर लाइफ वो उसको सारी लग्जरीज चाहिए उसको अच्छे से फैंसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना खाना है बहुत महंगे कपड़े पहनने हैं ज्वेलरी पहननी है वो चाहती है उसका घर बहुत बड़ा हो बंगला हो उसके पास बट ऐसा कुछ भी वो अचीव नहीं कर पाती एंड is फ्रॉम अ क्लर्क फैमिली और उसकी शादी भी एक नॉर्मल क्लर्क से हो जाती है शादी होने के बाद उसके जो husband है उसका बहुत ख्याल रखते हैं उसको सारी चीजें देने की कोशिश करते हैं एंड एक दिन ना वो एक अपने ऑफिस से एक इन्विटेशन कार्ड लेकर आते हैं बेसिकली जो कि एक पार्टी का होता है अब वो सोचती है उसके हस्बैंड की बहुत खुश हो जाएगी मतिल क्योंकि इन्विटेशन है और वो कहीं बाहर जाती नहीं है ज्यादा तो पार्टी का टाइम है वो बहुत खुश हो जाएगी उल्टा होता है जब वो सोचते हैं वो देखकर ऐसे सैड हो जाती है और उसको फेंक देती है इन्विटेशन कार्ड पर कहती है कि मेरे पास कुछ है ही नहीं पहनने के लिए मैं कैसे जा सकती हूँ उसको लगता है कि वहां पे इतनी ज्यादा यू नो रिच लेडीज आएंगी एंड सबके पास इतने महंगे कपड़े होंगे ज्वेलरी होगी बैग्स होंगे वहां पर वो इतनी फीकी लगेगी तो इससे अच्छा तो वो ना ही जाए अब बहुत बुरा लगता है उसके हस्बैंड को और वो उसको यू you नो know, uh, चेरिश करने की कोशिश करते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें अगर ड्रेस लेनी है तो इट्स ओके मैं तुम्हें ड्रेस दिलाता हूँ तो अपनी सेविंग्स में से जो उन्होंने गनशॉट के लिए रखी हुई होती है उससे उसको ड्रेस दिला देते हैं अब ड्रेस लेने के बाद अगेन शी इज नॉट हैप्पी क्योंकि उसकी मैचिंग की ज्वेलरी तो है नहीं उसके पास वो फिर से बोलती है तो बोलते हैं अपनी तो हाँ, अच्छा है, मैचिंग है है ज्वलरीटली उसको वहां से एक मैचिंग पीस भी मिल जाता है उसकी फ्रेंड इतनी अच्छी होती है उसके पास जितनी भी ज्वेलरी कलेक्शन होती है ना उसको पूरा का पूरा बॉक्स दे देती है और बोलती है कि तुम्हें जो भी पसंद है तुम वो बोरो कर सकती हो तो जो भी उसको उसके ंग का नेकलेस होता है उसको उठाती है जो कि बहुत सुंदर होता है और वो लेकर पार्टी में पहुंच जाते हैं पार्टी में बहुत सुंदर लगती है मटेरला सारे उसको देख रहे होते हैं जो भी उसका चाम है वो बहुत अच्छा लगता है एंड मटेरिया वैसे ही बहुत प्रटी लेडी है और उसने उसने महंगी ड्रेस पहनी है ज्वेलरी पहनी है तो शी वॉज लुकिंग वेरी प्रटी तो जो सक्सेसफुल हो जाता है सारा इन्विटेशन जैसा वो चाहती है उतनी ग्रेसफुल वो पार्टी में लग रही होती है बट फिर थोड़ी सी ठंड का टाइम आ रहा होता है तो रात को वो जल्दी वहाँ से निकल लेते हैं ताकि कोई उसको देख ना ले क्योंकि वहाँ जितनी भी रिच लेडीज होती हैं उनके पास फर का या ओवर होगा या फिर कोई स्का्फ होगा जो उनको ठंड से प्रोटेक्ट करेगा मटेला के पास ऐसा कुछ है नहीं नॉर्मल सा स्का है तो उस चीज को लेकर भी वो एम्बेस्ड है और वहां से वो जल्दी भागने की कोशिश करती है इतनी जल्दी निकल लेती है कि कैब भी नहीं बुलवाने देती अपने हस्बैंड को भाग जाती है स्ट्रीट की तरफ अपने हस्बैंड को छोड़कर और फिर वो उसको पीछे पीछे उसके जाते हैं और कैरेज में बैठकर वो घर जाते हैं घर पहुंचने के बाद वो फाइनली एक बार खुद को देखना चाहती है मिरर के अंदर उस ड्रेस के अंदर और उस नेकलेस के साथ और अचानक से उसको क्या दिखता है कि वो नेकलेस उसके गले में है ही नहीं इतना ज्यादा पैनिक कर जाते हैं वो दोनों के दोनों ढूंढते हैं एक हफ्ता हो जाता है कहीं मिलता ही नहीं उनको नेकलेस ऑल्सो बीच में अपनी फ्रेंड को बताने के लिए आंसर देने के लिए वो बोलती है कि उसका एक क्लास टूट गया है तो उसको थोड़ा टाइम चाहिए उसको रिपेयर कराने के लिए इसलिए वो टाइम मांग लेती है उससे देन एक हफ्ता बीत गया अब वो नेकलेस तो उसको वापस कर नहीं सकती है क्योंकि मिला ही नहीं है दोनों हस्बैंड वाइफ सोचते हैं कि अब उसका डुप्लीकेट कोई मार्केट से ढूंढते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं उनको लगता है कि वो जो नेकलेस है वो रियल डायमंड्स का है तो सीधा डायमंड शॉप पर जाते हैं और वहाँ से सेम नेकलेस की कॉपी बनवाते हैं और ले आते हैं इनफैक्ट उनको मिल भी जाता है सेम जो उनके काबिलियत से बहुत ज़्यादा महंगा होता है फिर भी वो यू नो उधार लेकर उस नेकलेस को ले लेते हैं किसी तरीके से एंड उसको अपनी फ्रेंड को वापस कराते हैं अब जो उनकी सारी सेविंग्स थी जो मटिल्ला के हस्बैंड की सारी सेविंग्स थी वो खत्म हो जाती है जो उसके डैड ने उनको दी थी सेविंग्स खत्म करने के बाद भी वो नेकलेस के जो अमाउंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है तो क्या करते हैं वो कर्जा ले लेते हैं दूसरे लोगों से और उसको धीरे धीरे चुकाने का प्रोमिस करते हैं बट कर्जा चुकाते चुकाते दस साल बीत जाते हैं उनकी कंडीशन इतनी खराब हो जाती है मंडिडा घर के सारे काम करती है जो वो पहले नहीं करती थी घर पे जो मेड थी वो उनको भी हटा देते हैं जो भी बेसिक काम होते हैं ग्रोसरी लाना कपड़े धोना किचन का सारा काम करना इनफैक्ट उसके जो हस्बैंड होते हैं वो भी ओवर टाइम करने लग जाते हैं एंड दस साल बाद वो सारा कर्जा जो होता है उनका खत्म होता है और लास्ट में ऐसे ही चलते हुए उसको वो फ्रेंड मिल जाती है और फिर वो उसको इंसिडेंट नरेट करती है कि तुम्हें जो नेकलेस था पता चला उसका कुछ तो पहले उस वो उससे बिल्कुल कांटेक्ट खत्म कर देती है बीच में अब वो बोलती है कि अच्छा वो नेकलेस गुम हो गया था तुमने मुझे बताया क्यों नहीं और फिर वो उसको एक्सप्लेन करती है कि ये पता है इतना महंगा था मुझसे गुम हो गया था और वो डायमंड का था नाउ द फनीस्ट थिंग वॉज कि वो रियल डायमंड था ही नहीं इट वॉज फेक नेकलेस उसकी फ्रेंड जो होती है, वो उसको बताती है कि वो तो फेक था उसकी वैल्यू बहुत कम थी और तुमने मुझे रियल डायमंड कर दिया यहीं पर स्टोरी खत्म हो जाती है उसके बाद क्या हुआ कुछ भी नहीं बताया हुआ सो दिस वाज द थिंग जो एक लेसन देता है कि ग्रीड नहीं करना चाहिए जो भी दिया गया है उसमें खुश रहना चाहिए अगर मटिडा इतना यू नो क्रेव नहीं करती और चीजों के लिए लग्जरियस चीजों के लिए तो शायद उसके साथ ऐसा नहीं होता एंडिंग कुछ और हो सकती थी ये चैप्टर था यह स्टोरी थी अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और इम्पॉर्टेंट लाइंस एनसीआरटी में से पढ़ेंगे तो जल्दी से एन निकाल लो टी और साथ में एक पेंसिल जरूर ले लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क करनी सो मटिल्डा इज इनवाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी शी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी शी बोरो अ नेकलेस फ्रॉम अ फ्रेंड एंड लूज इट वट हैपन्स सो वी विल फाइंड आउट कि क्या हुआ लास्ट में

खराब दीवारें थी पुराना घर था क्योंकि उसका वॉन चेयर पुरानी खराब टूटी हुई चेयर थी ऑल दीज थिंग्स टॉर्चर्ड

एक्सक्विजीट मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फूड उसको चाहिए एंड उसके पास फ्रॉक्स नहीं है जूस नहीं है सारा दिन उसके दिमाग में यही चीजें हैं वो उन सारी चीजों से इतना ज्यादा प्यार करती है हर चीज हर टाइम यही सोचती रहती है कि उसके पास ये सारी लग्जरीज होती आगे देखते हैं वट वुड मजेल ऑफन ड्रीम ऑफ दिस इज द क्वेश्चन जो आया हुआ है आपका कमिंग टू नेक्स्ट पैराग्राफ शी हैड अ रिच पैराग्राफी स्कूल मेड एट द कॉन्वेंट

क्या पहन के जाऊंगी मैं इस पार्टी के अंदर ही है so, उसने सोचा ही नहीं इस चीज के बारे में स्टैमर का मतलब क्या होता है रुक रुक कर बोलना सो वाई द ड्रेस यू वेयर वेन बी गो टू दियेटर इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी

I have no dress and consequently I cannot go to this affair. Give your car to some colleague whose wife is better fitted out than I. Vexation का मतलब होता है frustrated. So वो उसके चीख से उसके आंसू पहुंच देते हैं और वो उसको बताती है अपने husband को कि ये car उनको दे दो जिनकी wife के पास dress हो और वो ज़्यादा suitable रहेंगी उस party के लिए मैं तो नहीं जा सकती हूँ. He was grieved but answered, "Let us see, Matilda. How much would a suitable costume cost?" समथिंग देट वुड सर्व फॉर अदर ओकेजन समथिंग वेरी सिंपल तो वो दुख होकर बोलते हैं और बोलते हैं देखते हैं ऐसे मत करो एंड कितने की आ जाएगी एक नई कॉस्ट्यूम सो so, कुछ ले लेते हैं कुछ सिंपल सा

फाइनली शी सेड इनिटेटिंग वॉइस आई कैन नॉट टेल एक्जैक्टली बट इट सीम्स टू मी दैट 400 हंड्रेड फ्रेंक्स ऑट टू कवर इट वो बोल रही है एग्जैक्टली exactly, तो मैं नहीं कह सकती बट इतने के आसपास आ जाएगी वट वॉज द अमाउंट 400 हंड्रेड फ्रैक्स तो आप अमाउंट याद रखेंगे साथ साथ ड्रेस कितने की है वो कितने की ड्रेस मांग रही है उनसे फोर हंड्रेड फ्रैंक्स की मांग रही है He turned a little pale for he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer with some friends who went to shoot larks on Sunday.

बोला की ठीक है मैं तुम्हें वो पैसे दे दूंगा बट कोई अच्छी सी ड्रेस लेकर आना तो नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं आप द डे ऑफ द बॉल अप्रोच एंड मैडम लॉइज बेसिकली ठीक है तो मटिल्डा दिन आ गया था पार्टी वाला बट अभी भी वो सैड है डिस्टर्ब एंड एंशियस नियरली रेडी हर टू हर इवनिंग वॉट इज द मैटर विद यू यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर टू और थ्री डेज सो वो उसके हस्बैंड जो है वो बोलते हैं कि तुम्हारी ड्रेस तो तैयार है फिर भी तुम दो तीन दिन से थोड़ी सी नाराज लग रही हो एंड शी रिस्पॉन्डेड आई एम वेक्स्ड

कि नेचुरल um, फ्लावर्स लगा लेना एज अ ज्वेलरी बहुत अच्छे लगेंगे इस सीजन के अंदर बहुत ट्रेंडी लगेंगे शीख का मतलब होता है ट्रेंडी ना शी वाज नॉट कन्विंस बिल्कुल उसको अच्छा नहीं लगा नो शी रिप्लाइड देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग देन टू हैव अ शैबी हेयर इन द मिड्स ऑफ रिच ह्यूमिलेटिंग इससे ज्यादा मेरे लिए बेइज्जती कराने वाला क्या होगा कि मैं इतने रिच लेडीज के बीच में ऐसे शैबी सी बिल्कुल बुझी हुई पुअर बन के जाऊंगी Then her husband cried out, "How stupid we are! Go and find your friend, madam, for a steer and ask her to lend you her jewels." तो बोलते हैं कि हाँ, oh ho, कितने बुद्धू हैं हम तुम अपनी friend के पास क्यों नहीं जाती और उनको बोल दो एक दिन के लिए तुम्हें jewelry दिखा देंगी. She uttered a cry of joy. It is true, she said. I had not thought of that. तो उसको भी लगता है हाँ अच्छा आइडिया है चलो ऐसा ही करते हैं ये तो मैंने सोचा ही नहीं द नेक्स्ट डे शिटो खार सेल्फ टू अर फ्रेंड्स हाउस एंड रिलेटेड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस वो जाती है अपने फ्रेंड के पास और अपने परेशानी के बारे में उनको बताती है मैडम फॉरेस्टियो वेंट टू हर क्लोजेट टुक आउट अ लार्ज जूल केस वो जाती है अपने क्लोजेट में और एक बड़ा सा ज्वेलरी का बॉक्स निकाल कर आती है ब्रॉट इट ओपन डेट एंड सेट

तो कैसे किया ना उसने जब उसकी उससे ज्वेलरी मांगने के लिए आई थी थी वो मना भी कर सकती या कुछ बहाना बना सकती थी सारी ज्वेलरी उसको नहीं दिखा सकती थी बट वो शी और उसने सारी ज्वेलरी अपने सामने रख दी और बोला कि तुम्हें जो पसंद है ना तुम वो वाली ज्वेलरी ले लो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पेज शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड एम्ब्रेस्ड हर वेंट अवे ट्रेजर the day of ball arrived madame loisel was great success she was the prettiest of all elegant gracious smiling full of joy ल द मैन नोटिस नेम एंड वॉन्टेड टू बी प्रेजेंटेड सो उसको जो फ्रेंड थी उसकी उन्होंने बहुत अच्छे से हेल्प करी उसकी एंड बॉल वाला दिन आ गया था द पार्टी डे अराइव डेंट शी वॉज लुकिंग वेरी प्रिटी बहुत ग्रेसियस और सुंदर लग रही थी वो एंड सारे मैन उसको नोटिस कर रहे थे उससे बात करना चाह रहे थे उसका नाम पूछना चाह रहे थे इंटरैक्शन करना चाह रहे थे सो दैट इवेंट वॉज सक्सेसफुल बेसिकली शी डांस विद एंथ

गुड फीलिंग उसके साथी अच्छा फील कर रही थी क्या होता है जब कोई अच्छा लगता है तो आप उसको प्रेस करते हो ना वही वो वहाँ पर फील कर रही थी शी वॉज फीलिंग वेरी स्पेशल और वो कुछ भी नहीं सोची थी डांस करते टाइम उसने बहुत एन्जॉय किया एंड शी फाइनली सक्सीडेड उसके उसको बहुत अच्छा लग रहा था बेसिकली शी वेंट होम टोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग घर आई वो सुबह चार बजे के करीब हर हजबीन हाफ स्लीप इन ऑफ द लिटिल सलून सिंस मिड नाइट विद्री अदर जेंटलमैन वो आर एंजॉइंग वेरी मच सो बेसिकली जो लेडीज थी वाइफ थी वो एंजॉय करी थी पार्टी को और जो उनके हसबेंड थे वो सलून में बैठकर टाइम पास कर रहे थे हाफ स्लीप लिखा हुआ है ना मतलब बेसिकली जेंट्स वो आर नॉट दैट इन्वॉल्व इन दार्टी इट वॉज फॉर द वाइफ He threw around her shoulder the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with elegance of the ball costume. Now the problem comes. Now what happened? Uske husband ne, kyunki thodi si thand ho gayi thi, to uske shoulders ke aas paas ek नॉर्मल सा रैप या फिर जैसे शॉल होता है या स्कार्फ टाइप होता है वैसा उसके शोल्डर्स पर रख दिया ठंड से बचाने के लिए But

शिवरिंग मतलब कांपना ठंड में ठंड का टाइम था तो थो थोड़ा कांप रहे थे फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस लास्ट में उनको मिल गई वो ओल्ड कैरिज उनको कैरी करने वाला एक uh, क्या कहेंगे व्हीकल मिल गया बेसिकली जो uh, उनको लेके जा सकता है उनके घर पे आई टुक देम इट टुक देम एज फार एज देर डोर एंड देर अपार्टमेंट इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर एंड ऑन दिस रिम्बर वो घर पहुंच जाते हैं और फिर उसके हस्बैंड को याद आता है की कल सुबह मॉर्निंग में दस बजे ऑफिस जाना है शी रिमूव द रेप फ्राम हर शोल्डर बिफोर द ग्लास अ फाइनल व्यू ऑफ हर सेल्फ इन हर ग्लोरी नाउ लास्ट बार वो खुद को देखना चाहती थी तो उसने रैप रिमूव किया और अपने आप को मिरर में अच्छे से देखने के लिए गई सडनली शी अटर्ड अक्राई हर नेकलेस वाज नॉट अराउंड हर नेक नाउ दैट वाज द प्रॉब्लम जोर से चिल्लाती है वो क्योंकि उसका नेकलेस वहाँ पर होता ही नहीं है अटर्ड का मतलब क्या होता है कोई साउंड प्रोड्यूस करना तो चिल्लाती है क्योंकि उसका नेकलेस वहां पर नहीं होता

यहां पर शॉक है तो वो बोलते हैं वट हाउ इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल एंड दुक इन द फोल्स ऑफ द ड्रेस

फिर से कपड़े पहन लेते हैं क्योंकि अब देखने जाना है उसको। the force to go to bed. Now, जो उसके हस्बैंड है वो जाते हैं और रास्ते पे ढूंढने निकलते हैं कि कहीं शायद हो सकता है कहीं गिरा हुआ हो तो दिख जाएगा नाउ वट है वो अपने ड्रेस में ही है अभी उसने गाउन पहना हुआ है एंड शी इज

पुलिस को बताया कैब ऑफिस में चले गए कि किसी को मिलता है तो उसको रिवॉर्ड दिया जाएगा शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बेविल्डमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर लॉयजन रिटर्न इन द इवनिंग हिज फेस पेल ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग बेविल्डमेंट मींस कन्फ्यूजन एंड फ्राइटफुल मींस शॉकिंग She waited all day in a state of bewilderment. वो क्योंकि उसको थोड़ी सी होप थी कि हो सकता है शायद मिल जाए। तो so, she was waiting whole time and uh, again there was this disaster because जब उसके हस्बैंड घर आते हैं, there was nothing। उनको कुछ भी नहीं मिला। He said write to your friend that you have broken the clasp of the necklace and then uh, you will have it repaired. That will give us time. She wrote as he dictated. At the end of week they had lost. All hope and लॉय older by फाइव years declared. We must replace this jewel. Now what happened? उनके जो हस्बैंड होते हैं वो उनको एडवाइस करते हैं कि अपनी फ्रेंड को एक बार बोल दो कि उसका क्लास टूट गया है तो उसको ठीक कराकर वापस देंगे जिससे उनको थोड़ा और टाइम मिल जाएगा बिल्कुल वैसे ही करती है वो एंड वीक खत्म होने से पहले उनकी सारी होप खत्म हो जाती है और जो लॉयजल है वो बोलता है वी मस्ट रिप्लेस दिस ज्यूल हम क्या कर सकते हैं

Race of lenders, then he went to get the new necklace, depositing on the merchants' counter 36,000 francs. Now, they did not have the whole money. के के पास के पास यानी कि उसके हस्बैंड 18,000 फ्रैंक्स तो थे, थे। थे। जो उनके उनके फादर ने लिए लिए छोड़े थे. He borrowed the rest. बाकी उन्होंने बोरो कर जिनसे वो वाले लोग होते हैं ना जो रेंट पर पैसे दे देते हैं इंटरेस्ट के साथ फिर आपको रिटर्न करना होता है तो वही किया उसने कर्जा लिया बेसिकली एंड बाकी अमाउंट के लिए एटीन उनके पास थे फिर वो गए और नया नेकलेस लेकर आ गए वो पैसे 36, her, tone, sooner, so, Loisel, वो पैसे 36,000 फ्रैंक्स डिपॉजिट थे। जो वापस जाती हैं अपनी फ्रेंड को को देने के लिए और उसको बोलती हैं थोड़ा जल्दी तुम दे देती तो हो सकता है मुझे जरूरत पड़ती इसकी तो तुम्हें थोड़ा जल्दी दे देना चाहिए था

they rented some rooms in an attic. Attic वो जगह होती है जो रूफ के नीचे वाला रूम होता है बिल्कुल उसको attic बोलते हैं So वो वाले रूम उन्होंने rent पे दे दिए जिससे थोड़ा पैसा आए She learned the odious work of a kitchen. बाकी के जो काम होते हैं kitchen के जो पहले वो नहीं किया करती थी उन्होंने वो करना शुरू कर दिया She washed the dishes. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes which she hung on the line to dry. She took down the refuse to the street. each morning and brought up the water stopping at each landing to catch her breath and clothed like a woman of the people she went to the grocers the butchers and the fruiterers with her basket on her arm shopping haggling to the last sou of her miserable money घर के सारे काम उन्होंने सीख लिए थे मेड हटा दी थी अगर ग्रोसरी लेने जाना है तो भी वो जाती थी डिशेस खुद करती थी क्लोथ खुद वॉश करने लग गई थी आल्सो uh, उन्होंने बारगेनिंग सीख ली थी हैगलिंग का मतलब क्या होता है बार्गेन करना साउ ऑफर मिसलर मनी साउ का मतलब क्या होता है थोड़ा सा पैसा तो क्योंकि ज्यादा पैसे नहीं होते तो वो हर जगह बार्गेनिंग करने की कोशिश करती थी द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुट द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट्स इन ऑर्डर एंड नाइसी ऑफन डिड कॉपीिंग एट फाइव साउज अ पेज एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 इयर्स नाउ दिस वाज द वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर बोथ ऑफ देम एट द एंड ऑफ 10 इयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल वट डिड हजब डू उसने एक्स्ट्रा टाइम करना शुरू कर दिया ही यूज़ टू कीपुक्स ऑफ मर्चेंट्स एंड ऑल्सो डिट सम फोटो कॉपी ताकि पैसे आ जाए उनके पास ये दस साल तक चला एंड दस साल बाद वो अपना सारा जो डेप था वो पे कर पाए नाउ द क्वेश्चन कम हाउ डिड मैडम लॉइज नॉट नो द लाइफ ऑफ नेसेसिटी तो उनको कैसे पता चला कि क्या नेसेसरी होता है लाइफ में जो लेसन था उन्होंने कैसे सीखा सीबीएसई 2016 का ये क्वेश्चन है सो so यही आंसर लिखेंगे आप जो इंसिडेंट हुआ बेसिकली और जो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बनता है कि दोनों हस्बैंड वाइफ ने क्या क्या ऐसा एक्स्ट्रा काम किया जिसकी वजह से वो और ज्यादा पैसे कमा पा रहे थे सो so जो हस्बैंड थे उन्होंने बुक्स को रखना स्टार्ट कर दिया था और जो मटेदा थी उन सारे घर के काम खुद करने शुरू कर दिए थे उन्होंने घर बदल लिया था छोटे घर में आ गए थे और जो एक्स्ट्रा रूम था उसको रेंट पर देने की कोशिश की साल हो गए थे. poor household. वो बदल चुकी थी अब Strong woman बन चुकी थी जैसे होते हैं ना लोग जो बुरे टाइम को देखते हैं या हार्ड टाइम्स को देखते हैं तो वो strong हो जाते हैं वैसे ही हो गई थी Matilda. हर हेयर बैडली dressed. उसके बाल बिल्कुल खराब हो चुके थे हर skirts

टाइम था जब वो कितनी सुंदर लग रही थी उस दिन और उस टाइम को याद करती थी फ्लैटअर्ड अगेन खुश होती थी उसको देखकर हाउ वुड इट हैव बीन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस अब वो यही पूछ रही है कि क्या होता

वो उसको मैडम फॉरेस्टियर लगी उन्होंने देखा तो वो शी वाज स्टिल यंग अभी भी यंग थी सुंदर थी अट्रैक्टिव लग रही थी मैडम लॉयजल ने सोचा पहले कि बात करनी चाहिए उनसे और फिर उसको रियलाइज हुआ अब तो पैसे भी दिए हैं हमने उस चीज़ के आ, दस साल हो गए इस बात को तो उसने डिसाइड किया हाँ उससे बात करनी चाहिए शी अप्रोच हर गुड मॉर्निंग जी हर फ्रेंड डिड नॉट हर एंड टू बी बाय दिस कॉमन नाउ उसकी जो फ्रेंड थी रेकग्नाइज मतलब पहचानना वो उसको पहचान ही नहीं पाई एंड मतलब सरप्राइज हैरान हो गई टू बी फेमिलियली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन परसन क्योंकि उसको जानी पहचानी आवाज लग रही थी वो शी स्टाम बट मैडम आई डू नॉट यू नो यू मस्ट बी मिस्टेकन वो थोड़ा सा रुक रुक कर बोलने लग गई और उसने बोला

सो so, बोलती है कि हाँ मेरे बहुत आ, कुछ हार्ड डेज थे बुरे दिन थे एंड मैंने तुम्हें देखा एंड मुझे याद आ गया एंड ये सब तुम्हारी वजह से थे बिकॉज ऑफ मी हाउ इज दैट मेरी वजह से कैसे नाउ शी इज टेलिंग हर यू रिकॉल दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वेयर टू द बॉल वेरी वेल वेल आई लॉस्ट इट तुम्हें याद है तुमने मुझे नेकलेस दिया था उस पार्टी के लिए तो कहती है हाँ बिल्कुल वो बोलती है मैंने उसको खो दिया था हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी ऐसे कैसे तुमने तो मुझे वापस दे दिया था वो आई रिटर्न अनादर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट मैंने बिल्कुल सेम वाला तुम्हें वापस दे दिया था एंड इट हैज टेकन हैजेक

and she smiled with proud and simple joy madam ferestier was touched and took both her hands and she replied oh my poor matilda mine were false they were not worth over 500 francs now this was the uh, twisted end basically so uh, what did she say ki and she smiled with poor, proud and simple joy aur wo bolti hai कि उसके हाथ पकड़कर बोलती है कि वो तो सिर्फ और सिर्फ 500 francs का था सिर्फ इतनी वैल्यू थी उसकी और तुम्हें लगा कि वो सच का नेकलेस है और उसके बाद खत्म हो जाती है ये यह स्टोरी यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है वाई डिड मेटिलडास फ्रेंड एस्टोनिश टू सी हर एट द एंड ऑफ द स्टोरी Uh, जो मटिल्डा की फ्रेंड है वो उसको देखकर हैरान क्यों हो गई थी बिकॉज वो मटिल्डा को पहचान ही नहीं पाई थी बिकॉज ऑफ हर पुअर लुक्स उसके बाल इतने खराब थे कपड़े ठीक से उसने नहीं पहने हुए थे स्कर्ट की जो अलाइनमेंट है वो ठीक नहीं थी तो उसको पहचान ही नहीं पाई ऐसी कंडीशन में सो दैट द रीजन सो देखा आपने चैप्टर के एंड में किस तरीके से ट्विस्ट आ आगे एंड वो नेकलेस खोने की वजह से उसके दस साल वेस्ट हो गए अगर वो शायद सच जाकर बता देती ना अपनी फ्रेंड को हो सकता है स्टोरी का एंड कुछ और होता तो इसमें हमें दो चीजें सीखने को मिलती है कि हम एक तो लग्जरी इसको क्रेज नहीं करना चाहिए वी शुड वर्क हार्ड एंड सेकंडली अगर सच बता देती तो स्टोरी कुछ और होती तो ये भी बहुत जरूरी था अगर वो इतना हक समझती है कि वो उससे अपनी ज्वेलरी बोरो कर सकती है तो लास्ट में उसको बताना भी चाहिए था दैट इट वाज लॉस्ट ये आ, कहानी लिखी है गाय डी मोसो पॉट कैसे प्रनाउंस करेंगे इसको मो पा सोंट गाय डी मो पा सोंट इन्होंने लिखी है ये एंड जल्दी से नोट्स को ओपन करो और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो एंड दैट्स इट फॉर टुडे वी विल सून कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ